एनबीए नेत्री मेधा पाटकर ने बड़वानी शहर के स्थानीय झंडा चौक में संयुक्त किसान मोर्चा व अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले नर्मदा घाटी के किसान मजदूर मछुआरों केवटों व आदिवासियों के साथ कारपोरेटीकरण का विरोध करते हुए अडानी अंबानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। साथ में जियो सिम को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों का भी विरोध किया गया। उषा ठाकुर को डिबेट करने की चुनौती देते हुए मेधा पाटकर ने कहा कि अगर उषा ठाकुर चाहे तो उनसे आमने सामने बात कर सकती है। बता दें, पिछले दिनों मटली में हुए इंदल उत्सव के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने मेधा पाटकर को लेकर कहा था कि जहां क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं वहां योजनाओं को लेकर मेधा पाटकर आदिवासियों को बरगलाने का काम करती है। ईटीवी भारत, बड़वानी, मध्य प्रदेश। खेती आज घाटे का सौदा है। 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। वो हर मिनट में आत्महत्या तक पहुंच जा सकती है। हम इन तमाम कंपनियों को जो किसानों और मजदूरों के खून पसीने पर खुद की कमाई अडानी दो रोज 384 करोड़ और मुकेश अंबानी 1085 करोड़ कर रहा है, तो उनका बहिष्कार जब जनता करेगी और करना शुरू हो गया है करोड़ों में, तभी वो समझ में आएंगे और मोदी सरकार जो उनकी भागीदार है वो भी शुद्ध हासिल करेगी। उषा ठाकुर जी को कोई भी पता नहीं है कि आदिवासियों को हजारों की तादाद में जमीन मिलकर पुनर्वास क्यों मिला और कैसे मिला। उन्होंने कभी भी इस नर्मदा घाटी का चेहरा नहीं दिखाया। क्या 60 लाख रुपए जितने आदिवासियों को मिले, जमीनें जितने आदिवासियों को मिली, वो उषा जी के कारण मिली है क्या? उषा जी, जाग जाओ, समझ जाओ और अपनी बातों पर रोक लगा दो। मैं और कुछ उनको जवाब देने की इच्छा नहीं करती। अगर वो पब्लिक डिबेट चाहती है तो वो बड़वानी के झंडा चौक में आए, मंच पर मेरे साथ खड़ी हो जाए और हम दोनों बाजू अपनी बात रखें।